आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच टीम गठित। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त का कोरोना अपडेट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और सूबे में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 6000 के पार पहुंच गया है। हालांकि कोरोना से अब तक 165 लोगों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। कानपुर में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए और नोएडा में आज 14 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और नोएडा की बात करें तो यहां पर जो रफ्तार है संक्रमण के बढ़ने की, वो तमाम कोशिशों के बाद भी थम नहीं रही है। में 273 नए प्रकरण आए हैं, 273। इस समय प्रदेश में जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 2606, 2606, और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 3581, 3581। अभी तक संक्रमण से 165 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 2711 लोगों को रखकर उनकी चिकित्सा की जा रही है। ये L1, L2, L3 के विभिन्न चिकित्सालयों में अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में इनकी चिकित्सा हो रही है। और बड़ी खबर बलिया से है, जहां पर कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब 30 पहुंच गई है। तो पूर्वांचल में भी अब लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है और तेजी के साथ बढ़ रहा है। बलिया से खबर है जहां पर कोरोना के 16 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और अब बलिया में कोरोना मरीजों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। तो आज 16 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बलिया में पहले से ही 14 कोरोना के पॉजिटिव केस थे। बलिया के DM श्री हरि प्रताप शाही ने बताया कि आज 16 नए केस मिलने के बाद कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 30 हो चुकी है और आज मिले सभी केस एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि जिनमें लक्षण जाहिर नहीं होते, लक्षण पता नहीं चलते, लेकिन जब उनका टेस्ट करवाया जाता है तो वो कोरोना संक्रमण पाए जाते हैं। तो ये एसिम्प्टोमेटिक मरीज मिले हैं, जो सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक पता चलता है तब तक स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी होती हैं। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि बलिया में आज कुल नए 16 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। ये सभी 16 पॉजिटिव केस जो मिले हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और इन सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है और इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। और 16 नए केसेस मिलने के बाद से 10 और नए कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन जो है इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लेकर के सारी कार्रवाई। बिल्कुल, लेकिन आज जानना चाहेंगे सभी मामले एसिम्प्टोमेटिक, ऐसे में इन लोगों ने खुद टेस्ट के लिए संपर्क किया था या फिर पूल टेस्टिंग हुई या किसी के संपर्क में आए थे? जी, सारा मामला पूल टेस्टिंग में सामने आया है, क्योंकि इनके कोई लक्षण नहीं थे तो फुल टेस्टिंग हुई, फुल टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। अच्छा, और लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार कल्याण आयोग के गठन की तैयारी में जुट गई है। श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार उनकी स्किल मैपिंग कराने का काम युद्ध स्तर पर चला रही है। अब तक 14.5 लाख प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। कि जो माइग्रेशन कमीशन जो आयोग अभी गठित करना है, उस आयोग का नाम भी उन्होंने दिया है। उस आयोग का नाम है कामगार श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है, उसका सहयोग कराने के लिए ऐसे जो व्यक्ति आए हैं उनकी अप्रेंटिसशिप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के समय ट्रेनिंग भी होगी, उनको कुछ मानदेय भी मिलेगा। इसके साथ साथ विभिन्न विभाग जहां पर मैन पावर की आवश्यकता है वहां रोजगार दिलाने के लिए, और साथ साथ जो हमारे श्रम एवं रोजगार कार्यालय प्रत्येक जनपद में हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं, उन पर डेटा बनवाने और वहां पर डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। और कोरोना के बीच सियासत भी जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर एक बार फिर से हमला किया है और इस बार प्रियंका गांधी ने कम टेस्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ टेस्टिंग के डेटा को साझा करे, संक्रमण पर काबू पाने के लिए क्या तैयारी है। तो एक बार फिर से मोर्चा खुला है टेस्ट की संख्या को लेकर, और क्या ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने हम वो भी आपको दिखाते हैं। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान सुना, सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के बयान के आधार पर इनमें से महाराष्ट्र से लौटे हुए 75% और दिल्ली से लौटे हुए 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे हुए 25% लोग कोरोना से संक्रमित हैं। और अगर ऐसा है तो फिर इतने कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं, या ये आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य आंकड़ों की तरह ही अप्रमाणित हैं। मतलब सवाल ऐसा किया गया है कि चिट भी इनकी, पट भी इनकी, एक जवाब देना भी दूसरी तरफ कमजोरी को बताएगा। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, एक नए आरोप के साथ प्रियंका गांधी मुखर हैं, लेकिन सवाल यह है कि जितने लोग आए उनकी टेस्टिंग की जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, पार्टी की महासचिव भी हैं, लगातार वो कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साध रही हैं। साफ तौर पर ये ट्वीट किया है और इसमें ये लिखा है कि जब खुद सरकार ये कह रही है कि 25 लाख अपने प्रवासी श्रमिक आ चुके हैं और उनमें से जो महाराष्ट्र से लौट रहे हैं, 75% दिल्ली से लौट रहे हैं, लोग कोरोना से संक्रमित हो पूछते हैं तो आंकड़ा 10 लाख के पार चला जाता है कोरोना संक्रमित मरीजों का। लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल तकरीबन 62 तो अभी कहीं ना कहीं उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार आंकड़े छुपा रही है जो जो कोरोना के संक्रमित है और वो टेस्टिंग हुई है। यूपी सरकार का दावा है कि अब तो 2 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और कांग्रेस कह रही है कि ये टेस्ट और बढ़ाए जाए, कोरोना की जांच लोगों की और की जाए। शुक्रिया अनुभव जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जो टेस्टिंग हो रही है उसके आंकड़े क्या अन्य आंकड़ों की तरह अप्रमाणित तो नहीं है, और उन्होंने इन्हें जनता से साझा करने की मांग भी की है। तो लगातार कांग्रेस टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है और उसी फहरिस्त में ये एक यूपी सरकार पर नया सियासी हमला उन्होंने किया है। दिल्ली और गाजियाबाद की सीमाएं फिर से सील होने जा रही हैं। गाजियाबाद के डीएम ने बॉर्डर सील करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद और दिल्ली की सीमाएं सील की जाएंगी। ऑर्डर कल से प्रभावी होगा। ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली में आवाजाही करने वाले डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, बैंकिंग कर्मचारी और पुलिसकर्मी अपने परिचय पत्र दिखाकर जा सकते हैं। वहीं जरूरी सामान और सप्लाई से जुड़े वाहनों को भी आने की छूट होगी। यूपी वालों के लिए कल से दिल्ली फिर दूर हो जाएगा। जिला प्रशासन गाजियाबाद ने आदेश जारी किया है कि गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर कल से फिर सील कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहली सीलिंग जो हुई थी वो 21 अप्रैल को आदेश हुए थे, उसके बाद 22 अप्रैल से गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर सील कर दिया गया था। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं। इस बॉर्डर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से गाजियाबाद आते हैं। आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये आदेश क्यों किया गया है और इस आदेश का पालन कैसे कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम बता दें, इस बार पिछली बार से और सख्ताई से आदेश का पालन किया जाएगा। जो जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है
उसके मुताबिक दिल्ली सरकार में काम करने वाले, केंद्र सरकार में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी जो हैं वो गाजियाबाद रहते हैं, तो सिर्फ उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारी अपना आई कार्ड दिखा के जा सकते हैं। जो थर्ड या फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं उनको जाने के लिए उनके विभाग के सक्षम अधिकारी का पास अनिवार्य होगा। हम आपको बता देते हैं कि किस किस को छूट मिलेगी। मीडिया कर्मी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ये लोग अपना पास दिखाकर, इसके साथ साथ पुलिस वाले ये अपना आई कार्ड दिखाकर बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, इनको किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जो लोग दिल्ली जाएंगे, जो जिनको मिला है छूट मिली है जाने की, उन्हें सुबह 9 बजे तक बॉर्डर क्रॉस करना होगा और शाम को 6 बजे के बाद ही वो दिल्ली से गाजियाबाद की सीमा में आ सकते हैं। गाजियाबाद से विपिन तोमर। और बरेली की बिथरी विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भड़तौल ने कोरोना से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक अनोखी पहल की है। बीजेपी विधायक ने अम्ब्रेला कैंपेन चला रखा है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को 1000 छाते बांटे हैं। बीजेपी विधायक के मुताबिक छाते न केवल जनता को धूप गर्मी बरसात से बचाते हैं बल्कि सही मायनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराते हैं, क्योंकि दो छातों की वजह से दो लोगों के बीच दूरी कम से कम 4 से 6 फीट तक हो जाती है, जिससे लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचने में मदद मिलती है। आगे आगे देख रहा हूं वीडियो बनाएगा। ये जो छाता लगा के अगर व्यक्ति जाएगा तो उससे 3-4 चीज़ों से बचाव है। सबसे बड़ा बचाव जो है, इस टाइम जो महामारी फैली हुई है कोरोना जैसी बीमारी, इससे एक बड़ा बचाव है, क्योंकि कोई व्यक्ति छाता लगा के अगर जाता है तो ये एक दूसरे से वो टच नहीं होगा। और छाता से 4 उपाय हैं, बरसात है, धूप है और पानी भी है। और सबसे बड़ा बचाव कोरोना का है, चाहे वो बाज़ार में जाए, चाहे वो गांव में जाए, चाहे वो सिटी में जाए, और चाहे वो किसी भी दुकान पे जाए, अगर वो छाता लगा के जाता है तो मानिए कि छाता से लोग दूर रहेंगे और हर व्यक्ति को छाता लगाना चाहिए। और शामली में कोविड-19 हॉस्पिटल कर्मियों की घोर लापरवाही सामने आई, जहां पर कोविड अस्पताल के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जूठा खाना और यूज़ की गई पीपीई किट को फेंक दिया। बाद में आवारा कुत्ते इसे काते नजर आए, जिससे इलाके में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। लापरवाही का यह वाकया झिंझाना थाना क्षेत्र के कोविड-19 हॉस्पिटल का है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि जिले के कोविड-19 हॉस्पिटल से वेस्टेज चीज़ों को डिस्पोजल करने के लिए अलग से स्टाफ रखा गया है। वीडियो के बारे में सीएमओ को जांच के आदेश दिए गए हैं। और अलीगढ़ में थाना सासनी गेट इलाके में कृष्णा टोल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी 25वीं शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाता दिख रहा है। जबकि सासनी गेट इलाके में 100% लॉकडाउन घोषित है और पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने शख्स के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब शादी की 25वीं सालगिरह मनाना इन्हें भारी पड़ गया है। देखिए, शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, डांस हो रहा था, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, अब महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी गई। लॉकडाउन के दौरान भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान की रकम का आना जरूरी है। इस दौरान 4,60,00,000 रुपए दान के रूप में आए हैं। इन पैसों को अलग अलग दानदाताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए खोले गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में जमा कराया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि पैसे की कमी के चलते राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसीलिए भक्त लगातार दान दे रहे हैं।
रामलला के लिए भव्य दिव्य मंदिर बने ऐसी संतों की मांग है, संतों ने घोषणा किया है और हमारी सरकार भी घोषणा किया कि गगनचुंबी मंदिर बने और उसका कार्य भी शुरू हो गया है समतलीकरण। इसने 4,60,00,000 जो दान के रूप में यह रामलला के खाते में आए हैं वह उन दानदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, क्यों उनके उद्देश्य यही है कि पैसे के कमी से और पैसे के अभाव कारण से कहीं मंदिर में बाधा न उत्पन्न हो मंदिर बनाने में, मंदिर भव्य दिव्य और जल्दी से बने। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। दांतों को जर्म्स से सुरक्षित रखने